हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सब लोग अपना टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू सबको अपडेट मिल ही रही है कि देश में क्या हो रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों में रहें और अपने हाथ थोड़ी थोड़ी देर बाद धोते रहें। थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटे बाद अपने हाथ जरूर अपने धोएं 20 सेकेंड के लिए और अच्छे से धोएं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाह रही थी, कुछ व्लॉगर्स के बात करना चाह रही थी। मुझे ये बात करनी नहीं थी, 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ धड़ाधड़ ये रश्मि के ऊपर ही। देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज सबने बनाई है। स्पेशली एक ने तो ऐसा मतलब कि उनके लिए गलत 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 इतना ज़्यादा बोल दिया। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, गौरव, उनके बारे में भी सुना होगा आप सबने, नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ, फ्लाइंग बीस्ट वाले। तो वो भी जिस दिन पता लगा था, रात को 12 बजे के बाद मोदी जी ने घोषणा की थी कि अभी 21 डे के लिए लॉकडाउन होने जा रहा है। पहले तो उन्होंने 1 दिन के लिए बोला था, फिर 25 के लिए बोल दिया, फिर 31 के लिए बोल दिया, ऐसी कुछ घोषणाएं हो रही थी, है ना। तो जो यूट्यूबर्स मतलब सॉरी जो व्यूअर्स हैं, शुरू से रश्मि की वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो पता होगा कि रश्मि जब भी हाफ उड़ जाती है, अपने मायके जाती है, तो उसके बेटे तन्मय की तबीयत खराब हो जाती है। वहां पे पानी का कुछ ऐसा हो जाता है ना, लेकिन अभी उसके भाई के एक्सीडेंट हुआ था, वो तो उनका हालचाल पूछने के लिए वहां गई थी, तो उसको तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि अभी लॉकडाउन ऐसे हो जाएगा। तो उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया था, और रश्मि भी अगर तबीयत उसकी भी बस सोच सोच के ठीक नहीं थी। तो अगर उसके हस्बैंड आ भी गए आज, जैसा कि आपको पता है, सब्जी वाले, ठेले वाले, फिर जनरल स्टोर्स, मेडिकल शॉप्स, ये सब खुली हैं, तो उसके हस्बैंड भी जो हैं वो उसमें है, मीडिया में है, तो आप सबको पता है। तो अगर वो अपनी फैमिली को, उनको अगर उनको पता है कि उनकी फैमिली वहाँ पे परेशान हो रही है, और वो परमिशन लेके अपनी फैमिली को लेने चले गए, तो उसमें क्या गलत हुआ? अब गौरव भाई भी तो हैं, वो दिल्ली से गए हैं कानपुर, तो वो भी परमिशन लेके गए थे, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो अपने दादी दादा के पास रहती है, रसवरी, सबको पता होगा। वो भी परमिशन लेके गए कि चलो 21 डे हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। तो ऐसे रश्मि है, रश्मि अपने फैमिली को, अपने घर को एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको बात करनी है तो जो आज का टॉपिक है, जो आज का मुद्दा है, जिससे सब लोग डरे हुए हैं, आप उस पर बात करिए, ठीक है। गरीबों के लिए आप देखिए कि कैसे वो लोग भी हैं जो दिल्ली, अलग अलग राज्यों को छोड़ के अपने घरों में ही जाना चाहते हैं। सब लोग अपने घरों में क्यों जाना चाहते हैं? एक अटैचमेंट होती है भाई अपने घर में, अगर कोई दुख है, परेशानी है, तो उसको सबसे पहले अपना घर याद आता है, तो अपने घरों में ही जाना चाहते हैं। तो पर सरकार उनसे भी पूछ रही है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, इसके लिए पब्लिक को सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है हमारे लिए कर रही है, अगर आपको वीडियो बनानी है तो इस बात पे बनाएं, आप सब उस बेचारी रश्मि के पीछे ही क्यों पड़ गए? तो प्लीज ऐसा ना करके, आज का जो माहौल चल रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाएं, बचत कैसे की जाए, और अपने घर में खाना बनाएं, 2 रोटी ज्यादा बनाएं, कोई गरीब भूखा ना रहे उसको दी जाए। और तो अपने खाने में से थोड़ा जो आप अपने परिवार के लिए तो खाना बनाते हो, लेकिन 4-5 लोगों का अलग से अगर बना सकते हो तो खाना बनाएं, और अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में ये बात करें कि आप अपने परिवार के लिए जो भोजन बनाते हो उसमें 4-5 लोगों का अलग से बना के पैक करें, और पुलिस को बुलाएं, और उस वो आके आपके घर से ले जाएंगी, ठीक है। ये करें देश के लिए, देश की सेवा के लिए, तो समझ में आता है। आप सब लग रहा है रश्मि के पीछे पड़ गए, वो खाना खाने भाभी के घर क्यों चली गई? वो बैठी रहती है, भाभी खाना बनाती रहती हैं, भाभी काम करती हैं, तुम हेल्प नहीं करती। भाई क्या जरूरत पड़ी है? आप दूसरों की फैमिली को क्यों नहीं जीने देना चाहते हो? खुश नहीं देखना चाहते हो? अच्छा फिर रश्मि हंसी क्यों? रश्मि ने लिपस्टिक क्यों लगाई? गलत बात है ना। अभी सब लोग अपने घरों में, आप अपने घरों में रह के एंजॉय करें, भगवान से प्रेयर करें, दुनिया में जो हो रहा है वो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए बात करें, आप रश्मि के पीछे ना पड़े। और मैं बस यही कहना चाहती थी, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।